छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है और छत्तीसगढ़ में टॉप करने वाली महक अग्रवाल के पास हम इस वक्त मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनका सफर कैसा रहा। जी महक जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। आप कैसा महसूस कर रही हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में आपने टॉप किया है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर। पहले तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं टॉप वन आऊँगी, ये एक्सपेक्ट किया था कि टॉप टेन जरूर आऊँगी, लेकिन जो टॉप वन आने की खुशी होती है, इट्स नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और क्या क्या मार्गदर्शन आप टीचर से लेते थे? मैं घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं करती थी, मैं अपने दिन में एक टारगेट सेट कर लेती थी कि आज मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, फिर उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में मुझे जितना भी समय लगता था उस हिसाब से मैं पढ़ाई करती थी। मेरे टीचर्स बहुत सारे मॉडल पेपर्स रहते थे, बहुत सारी अलग अलग किताबें रहती थी, वो मुझे ला ला कर देते थे, मुझे उसे सॉल्व करवाते थे, और अगर उसमें कुछ डाउट्स रहते थे तो वो भी मेरे सॉल्व करके देते थे। लगातार पढ़ाई करने से कुछ मन में चिड़चिड़ाहटपना भी आ जाता है, तो इनको दूर करने के लिए आप क्या कुछ करती थी? मेरी आइसक्रीम बहुत फेवरेट है, तो वो जब खाती हूँ तो स्ट्रेस कम हो जाता है। आप अपनी फेवरेट फूड खा सकते हैं, अपना फेवरेट हॉबीज इंजॉय कर सकते हैं। मेरा डांसिंग और सिंगिंग है, तो जब भी मुझे थोड़ा ऐसे स्ट्रेस टाइप का लगता था मैं डांस कर लेती थी, गाना गा लेती थी, तो इससे मेरा स्ट्रेस कम होता था। पढ़ाई के क्षेत्र में आप अपना रोल मॉडल किसे मानती हैं? पढ़ाई के क्षेत्र में तो मुझे मेरी मम्मा। इसके अलावा आप पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप की हैं, आने वाले जो अब भविष्य के बच्चे हैं जो आज 12वीं 10वीं में आएंगे, इसके बाद जो बोर्ड एग्जाम देंगे, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं बस इतना संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि बहुत टफ रहता है, लेकिन वो टफ नहीं रहेगा अगर आप रेगुलर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा थोड़ा चालू कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रहता। अगर आप ट्वेल्थ अभी आ रहे हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, किसी के 6 भी होंगे जिसने एक्स्ट्रा लिया है, जो टेंथ में उनके 6-6, 7-7 सब्जेक्ट होंगे। तो ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप एक ही दिन में बैठ कर सारा करते रहिए। थोड़ा 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 अगर आप एक दिन में करते रहेंगे तो आपको एग्जाम टाइम बिल्कुल भी बदल नहीं होगा, आपको ऐसे लगेगा कि ये रेगुलर एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जाम नहीं। इसके अलावा आप अब आगे क्या करना चाहेंगी, कौन सा सेक्टर में जाना चाहती हैं? जी मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती हूँ, बीकॉम ऑनर्स करके अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में। तो आपने देखा कि हमारे साथ महक अग्रवाल थी जो छत्तीसगढ़ में पूरा टॉप की हैं और नंबर 1 पर हैं। न्यूज़ 18 के लिए महासमुंद से सोमनाथ टोंडेकर।